हमारे शास्त्रीय संगीत के जगत में पंडित जगदीश प्रसाद जी का नाम सभी लोग जानते हैं। आप पटियाला घराने के प्रख्यात गायक हैं। आज हम सब यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे कुछ बातचीत करने के लिए। हाँ जी, बताइए पंडित जी, आपके बचपन का कुछ संगीत याद आता है? जो अच्छे लगते थे मुझे, मैं गाया करता था। तो वो पुरानी बातें हैं, जैसे कोई घर वाले याद कर रहा है तो मैंने सुना उसको, मुझे अच्छा लगा। फिर घरों का याद किया, थोड़ी अच्छा लगा, थोड़ी बार याद किया। इस तरीके से जब कुछ गाने लग गया वहाँ हल्का बाबा, तो लोगों को ये लगा कि ये गाता है। आपकी तालीम पिताजी से हुई? हाँ, पहले मेरे पिताजी से ही हुई है मुझे। पंडित बदरी, तो मैंने पहले उनसे गाना सुना और सीखा, और उन्होंने इस काबिल बनाना चाहा कि ये आगे और पढ़े और अपने से भी कुछ पिकअप कर सके। तो हुआ ये कि वह रात को मैं भी उठती थी पैलेस में, महाराजा चक्रधर सिंह रायगढ़ जी, तो वहाँ रात को 8 बजे बैठते थे और 9-10 तक महाराज जिसको अच्छा लगे वो सुनते थे। तो सारे कलाकार, सारे गौरी, मोहम्मद खान, आशिक अली खान साहब, हम बड़े गुलाम अली खान साहब के चाचा जो है काले खान साहब, ये सब मैं भी जमते थे। 19 শতকের পাঞ্জাবির গায়ক আলিবখশ এবং ফতেহ আলীকে পাটিয়ালা ঘরানার স্রষ্টা মানা হয়। এই দুজনের নাম জুড়ে এই ঘরানা আলিয়া ফত্তু ঘরানা নামে পরিচিত ছিল। ফতেহ আলীর 3 ছেলে আশিক আলী, কালেখা এবং আলিবখশ কসুরওয়ালা। জগদীশজির বক্তব্যে এদের উল্লেখ আছে। এখন আপনারা ওস্তাদ কালেখা সাহেবের গান শুনছেন। और एक भूरे खां थे, वो भी बहुत अच्छा सितार बजाते थे। वो वहाँ थे और साहब मुनीर खां तबला, वो वहीं थे। और अच्छे अच्छे ठुमरी गाने वाले भी कुछ लोग थे, उनमें सबसे अच्छे थे मोहम्मद खां। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे। तो वो हकीकत में इतनी अच्छी ठुमरी गाते थे कि उनके गाने के लिए ही मैं प्रोग्राम में जाता था पैलेस में। तो जो मोती महल है वहाँ पे दरबार है, वो बैठक का खाने का, वहाँ मैं जाकर बैठ जाता था। छोटा सा, कोई मुझे रोक टोक नहीं, और वैसे तो महल में जाना तो बहुत ही सीधा काम नहीं था, लेकिन मुझे सब जानते हैं, वो संतरी पुलिस वगैरह जितने सब बैठ जाते थे, कोई बोले नहीं। तो मैं उनका गाना सुनने जाता था, और उसके बाद आशिक अली खान साहब अगर गाएँ तो सुनने को मिल जाता था। और वो जो कभी कभी गाते थे
लेकिन उनको आना रोज है आठ बजे और वैवाहिक गायक बोलने जाएंगे तो आपके खा सकते नहीं खा सा क्योंकि आगे कोई बैठता नहीं था। बेगम अपने क्या नाम है रोशना बेगम ये भी बहुत प्यार करती थी और यू भी गाती थी। महाराज ठेकेदार सिंह जिसको वो कहेंगे वही गाएगा या फिर बाद में एक दिन पहले कह देंगे कि तुमको कल गाना है ये उनकी मर्जी की बात है। तो इस तरीके से मैं भी होती थी वो गाना मैं सुनता था बैठ के उसमें सभी थे अच्छन महाराज शंभू महाराज लक्ष्मण महाराज ये जितने कलाकार नामी आज की दुनिया में हैं वो तो उनका खाली नाम ही है बाकी वैसे उस्ताद भी होंगे नहीं वैसे लोग नहीं पैदा होंगे। तो अब सोचिए कि तबले पे कादर बख्श कर मिला ही मदन साहब और आपके तसद्दुक हुसैन ये सभी थे वहाँ तो आठ बजे की महफिल में सब आ जाते थे और उसके बाद महाराज जिसको बोलेंगे गाओ या तबला बजाओ तो वही करेगा फिर तो बाकी के रहते हैं चले भी जाते हैं तो उसके बाद रुक नहीं है लेकिन वो टाइम सबको आना होगा आठ बजे पहुँचना ही है वहाँ ये ड्यूटी खाली। तो कभी गाए आसिक अली खान साहब गाए तो कभी मोहम्मद खान गाए तो मोहम्मद खान का ये था कि वो ठुमरी गाते थे सिर्फ ठुमरी लेकिन वैसी ठुमरी बहुत कम लोग गाएंगे। और उसके बाद में फिर हमने देखा कि खान साहब बड़े गुलाम अली खान साहब जिनको सभी मानते हैं हम भी मानते हैं मैं तो उनके घर गए चेला हूँ तो वो एक ऐसे थे कि बस एक वो शुरू हो गए तो फिर उनकी महफिल है फिर कोई गाएगा भी नहीं और उससे छोटा कलाकार तो बैठ ही नहीं सकता गाने में। खास समझने वाले लोग हैं वो मोहम्मद खान की ठुमरी में ज़्यादा ध्यान देते थे और वो थाड़ो बिहारी नारी और कई ठुमरी हैं महाराज की बनाई हुई है जिसमें उनका नाम भी है। Namah Gauri
Bye.